हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। कालाडोंगी विधानसभा में कांग्रेस का प्रचार अभियान तेज हो रहा है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी महेश शर्मा ने समर्थन में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य भी प्रचार अभियान में जुड़ गए हैं। साथ ही कालाडोंगी विधानसभा के शिवसेना समर्थकों ने भी महेश शर्मा को समर्थन देने की अपील की। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने जनता से कांग्रेस प्रत्याशी महेश शर्मा के समर्थन में वोट मांगे, तो वहीं उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार भी किए। उनकी माने तो भाजपा ने जनता को सिर्फ विकास के नाम पर ठगा है। वहीं शिवसेना के नगर अध्यक्ष मुकेश जोशी ने कालाडोंगी विधानसभा के विकास के लिए इस बार कांग्रेस प्रत्याशी महेश शर्मा को समर्थन देने का ऐलान किया। इस बार जो है क्षेत्र की जनता ने, इस कालाडोंगी विधानसभा की जनता जैसे परिवर्तन के मूड में दिख रही है, तो हमने भी जो है जन भावनाओं का सम्मान करते हुए और कि महेश शर्मा जी जिस प्रकार से जो है विकास की सोच रखते हैं, तो इस क्षेत्र में जो है अपने हमारे विकास, हमारा जो कालाडूंगी जो विधानसभा है पूरा विकास में जो है कहीं इसका कोई नाम नहीं है। विकास के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है, तो हमारे क्षेत्र का भी विकास हो, पूरी विधानसभा का विकास हो, इस नाते जो है हमारे पूरी मेरी जो शिवसेना की टीम है, तो सारे शिवसैनिकों ने जो है महेश शर्मा जी को यहाँ पर इस चुनाव में जो है पूरा समर्थन दिया है। मैं शिवसैनिक हूँ और मेरी पूरी शिवसेना और पूरे शिवसेना परिवार जो हमारी कालाडूंगी विधानसभा का है बिल्कुल मेरे साथ है, और सारे के सारे लोग हम खुले बिल्कुल ओपन जो है महेश शर्मा जी कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष। कालाडूंगी का विकास अब तक का देखिए साहब, ऐसा है ये रोड है वोडे, जैसे आप लोग भी आए होंगे, आप खुद ही विकास तो ये रोड है और यहाँ की समस्या है जनता से, आप एक सामान्य व्यक्ति के पास भी लेकर पहुँच जाइए माइक, तो वही विकास की सारी पोल खोल देगा। बिल्कुल बिल्कुल खुल के समर्थन दे रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर जनसभा कराई। यहाँ पर तमाम हमारे शिवसेना के साथी भी मौजूद हैं और जो है सभी ने जो है पूरे जोशो खरोश के साथ यहाँ पर महेश शर्मा जी को समर्थन दिया। जो वातावरण है यहाँ का कालाडूंगी का, कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है, एक माहौल बन रहा है, और महेश शर्मा जी एक संघर्षशील नेता के रूप में हमारे कालाडूंगी की रूप भली भांति जानते हैं। उन्होंने संघर्ष किया है, उनका राजनीतिक सफर संघर्षों से भरा रहा है। उन्होंने मेरे साथ लगातार काम किया है, 30 सालों से लगातार काम किया है। मैं उनकी क्षमताओं को जानता हूँ, उनकी काबिलियत को जानता हूँ, उनके संघर्ष को जानता हूँ, उनकी मेहनत को जानता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से कालाडूंगी क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी महेश शर्मा भारी मतों से विजयी होंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुकेश जोशी जी, जो प्रत्याशी शिवसेना के थे, उन्होंने आज कांग्रेस उम्मीदवार महेश शर्मा जी के समर्थन में अपना नाम उनको समर्थन दिया है, और उन्होंने कहा कि हम पूरी तन्मयता के साथ उनके लिए काम करेंगे, कांग्रेस उम्मीदवार के लिए काम करेंगे और जिताने का काम करेंगे कहा है। जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारा चुनाव घोषणा पत्र है, वो हमारा दस्तावेज भी है, हम उसे दस्तावेज कह सकते हैं। और निश्चित रूप से आज देहरादून में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी जी ने जो हमारा प्रतिज्ञा पत्र है, जो हमारा दस्तावेज है, जो हमारा घोषणा पत्र है, उसको रिलीज़ किया है। और निश्चित रूप से जो फोकस है, महंगाई को कैसे नियंत्रण होगा, नौजवानों के हाथों में कैसे काम होगा, जो हमारे रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं जीवन की, जो हमारा मध्यम वर्ग है, जो हमारा गरीबी की रेखा के नीचे के रहने वाले परिवार हैं, उनको कैसे राहत मिलेगी, इस प्रतिज्ञा पत्र में आने वाले जो सरकार बनने जा रही है, और निश्चित रूप से उन सुझावों को हम अपने सरकार में उन सुझावों को शामिल करेंगे, उसके आधार पर हम एक रूपरेखा बनाएंगे। आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, राज्य में परिवर्तन की लहर है, और यशपाल आर्य जी आज टिकट बांटने से लेकर चुनाव जिताने तक संकट मोचन का काम कर रहे हैं। वो यहाँ ही कालाडूंगी में ही नहीं, लगातार लालकुआ में, नैनीताल में और पहाड़ी क्षेत्र में लगातार जा रहे हैं, अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर उनका एक बहुत बड़ा यहाँ पर आधार है, उसका हमें फायदा मिलेगा। आज मुकेश जोशी जी जो शिवसेना के प्रत्याशी थे, उन्होंने सैकड़ों साथियों के साथ मुझे समर्थन दिया है, और निश्चित तौर पर उनके जितने कार्यकर्ता हैं, उनके जितने समर्थक हैं, वो भी हमें उसका भी लाभ मिलेगा, और एक तरफा कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में हमारे विजय। हमारा पूरा कालाडूंगी ही उपेक्षित है। आज हमारे यहाँ चलिए गलियाँ खाली खोद दी गई हैं, 5 साल से कुछ हुआ नहीं, सारी गलियाँ एक साथ स्वीकृति का बोर्ड लगा करके सारी खोद दी है, अब उनमें डामर का पैसा है नहीं, आगे कुछ काम होना नहीं है, तो इसलिए
पर्वतीय क्षेत्र तो उपेक्षित है ही है, लेकिन भाबरी क्षेत्र में भी कुछ नहीं काम हुआ है, एक दिखावे के अलावा, और खाली एक प्रचार करते हैं कि हमने कर दिया, ये कर दिया, कुछ नहीं। आज हम नगर निगम में शामिल हो गए, यहाँ किसानों को जो सुविधा मिलती थी, डेयरी की सुविधा थी, सब्सिडी थी, ब्लॉक से, न्याय जिला पंचायत से और ग्राम पंचायत से बजट आता था, काम होता था, वो सारे योजनाएं खत्म हो गई सारे। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है और जनता इस बात से बहुत त्रस्त है और इनको सबक सिखाने के लिए। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज़, आप देख रहे हैं न्यूज़ पोर्टल उत्तराखंड।